आगे कहते हैं कि भुजबल भूमि विप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवनि दीनी। अपनी भुजबल अपनी भुजाओं के बल से भूमि माने इस धरती को, भूप माने राजाओं से, बिनु माने बिना कीन्ही, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजा से विहीन किया है। कहा जाता है उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश किया था, क्षत्रियों को नष्ट किया था। तब से उन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था और वो अपने आप को क्षत्रियों का द्रोही मानते थे। उनकी मानना ये थी कि धरती पर राज्य करने का अधिकार ब्राह्मणों का है, ना कि क्षत्रियों का। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि माने धरती को कई बार राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवनी दीनी, विपुल माने अनेकों बार, माने बार, तो विपुल बार अनेकों बार मही देवनी दीनी, मही देवनी, मही और देव शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। मही का मतलब होता है धरती और देव का मतलब होता है देवता। तो धरती के देवता कौन होते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण को धरती का देवता कहा जाता है। इसलिए परशुराम कहते हैं कि अनेक बार मही देवनी, मही के देव यानी ब्राह्मणों को मैंने यह पृथ्वी दान में दे दी, यानी अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया और अनेकों बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दिया। सहस बहुभुज छेदनी हारा, सहर्ष बाहु के भुजाओं को छेदने वाला यानी सहर्ष बाहु को मारने वाला परशु विलोक की महीप कुमारा, हे महीप कुमार यानी राजा के पुत्र, मेरे इस परशु की ओर देखो। महीप, मही मैंने पहले ही बताया था तो कि पृथ्वी होता है, महीप माने पृथ्वी का मालिक यानी स्वामी, और कुमार माने पुत्र, तो राजा का पुत्र, महीप कुमार माने राजा का पुत्र। तो कह रहे हैं कि सहस बाहु की भुजाओं को छेदने वाला, काटने वाला यानी सहस बाहु को मारने वाला मेरे इस परशु की ओर, हे राजा के पुत्र तुम देखो कि ये कितना कठोर है। मातु पिता ही जनी सोच बस, करेसी महीसी किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। कह रहे हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस, मातु माता, पिता ही पिता के, जनी सोच बस, शायद सोच का कारण यानी शोक का कारण तुम बनने वाले हो। करसी महीस किशोर, हे महीस किशोर, हे राजा के कुमार पुत्र, तुम क्यों अपनी माता पिता के लिए शोक का कारण बनना चाहते हो? यानी कि मैं तुम्हारा यदि वध कर दूंगा तो तुम्हारे वध होने से तुम्हारे माता पिता को शोक होगा, उन्हें दुख होगा, तो उनके शोक का, उनके दुख का कारण तुम क्यों बन रहे हो? गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। गर्भक के अभ्रक दलन, अभ्रक कहते हैं गर्भस्थ शिशु के लिए, गर्भ माने पेट में, उदर में, गर्भस्थ शिशु माने मेरा परशु तो इतना ज़्यादा कठोर है कि ये अपनी माता के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारने में सक्षम है। यानी इसके भय से, इसके डर से, इसकी कठोरता को देखते हुए गर्भ में पल रहा शिशु भी अगर इसके बारे में सुन ले तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इतना कठोर मेरा यह परशु है। और ऐसे कठोर परशु को तुम देखो, क्यों तुम अपने अपने माता पिता के शोक का कारण बन रहे हो? ठीक है, आगे फिर कहते हैं कि बिहसी लखनु बोले विनतु बानी, अहो मुनिसी महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, हिया कुम्हड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासरी माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझू जनेव विलोकी, जो कुछ कहूँ कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहि धनु बान कुठारा, जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम की सारी बातों को सुन करके जो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरा ये परशु अत्यंत कठोर है, यदि तुम्हें मैं इसे मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता को शोक होगा, ये तो इतना कठोर है कि घर में पल रहे शिशु को भी मारने में सक्षम है, तो ये सारी बातों को सुन करके विहसी लखनु बोले मृदुबानी, विहसी माने हंस करके लखनु लक्ष्मण ने मृदुबानी माने मीठे शब्दों में कहा। ठीक है, फिर लक्ष्मण ने उन पर व्यंग करते हुए कहा, ओहो मुनि सी महाभट मानी, अरे मुनि आप तो महाभट कहते हैं योद्धा को, बहुत ही बड़े योद्धा हो। ठीक है, वो कहते हैं लक्ष्मण उनको कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ, जैसा वर्णन आपने अपने बारे में किया है उसे सुनकर के मैं समझ गया कि आप बहुत बड़े महाभट यानी बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे दिखाओ माने दिखाते, कुठारू माने परशु,
तुम बार बार मुझे अपना परशु दिखा रहे हो। पुनी पुनी मुही दिखाऊ कुठारू, बार बार तुम मुझे अपना परशु दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या तुम फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? ठीक है, लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जो तुम बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हो, तो क्या तुमको ये लगता है कि सामने जो खड़ा हुआ है वो तुम्हारी फूंक से उड़ जाएगा? यानी क्या तुम फूंक को मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाएं। यहाँ माने यहाँ कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ एक फल होता है जिसको पेठा भी कहते हैं, कुम्हरा भी कहते हैं, तो उसका जो बतिया होता है उसके बारे में मान्यता है कि उसको अगर उंगली दिखा दी जाए तो मर जाता है, यानी गल जाता है। उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पे कोई कुम्हड़ का बतिया नहीं है कि जो जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तुम्हारी तर्जनी यानी उंगली को देख करके मर जाए। ठीक है, हम इतने सहज रूप से मरने वाले नहीं हैं जो तुम बार बार कहते हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम अपने माता पिता के शोक का कारण बन रहे हो, मेरा ये परसों बहुत ज़्यादा कठोर है, मैं एक ही बार में तुम्हें मार दूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम फूंक मारोगे तो पहाड़ उड़ जाएगा? या तुम्हें यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया के समान लग रहा है जो तुम्हारी उंगली देख के डर जाएगा? यानी तुम्हारी इन धमकियों से यहाँ पर कोई डरने वाला नहीं है। हम भी वीर हैं, हम भी क्षत्रिय हैं और हम लड़ना जानते हैं। ठीक है, देखी कुठारो सरासरी बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तुम्हारे इस कुठार को, सरासन धनुष को और बाण को देख करके, तुमने जो ये कुठार और धनुष बाण को धारण किया है इसे देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने शायद तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया है या अभिमान सहित जो तुम्हारे बारे में कहा है, तो भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। हे भृगुसुत, हे भृगु के पुत्र परशुराम, तुम ये समझ लो कि तुम्हारे इस जनेऊ को देखकर, जो तुमने जनेऊ धारण किया हुआ है इसे देख करके, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की, तुमने अभी तक जो कुछ मुझसे कहा मैंने उसे अपना क्रोध रोक करके सहन कर लिया है। ठीक है, बार बार तो तुम मुझे अपना कुठार और धनुष दिखा रहे हो, तो ये तुम्हारे पास देख करके मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में अभी कुछ कहा ही है, तुम्हारे पर कोई कठोर बातें तुम्हें नहीं कही हैं। ठीक है, लेकिन तुमने जो यह धनेऊ को धारण किया हुआ है जिससे पता चलता है कि तुम ब्राह्मण हो, तो तुम ब्राह्मण हो इसीलिए तुमने अभी तक जो भी बातें हमारे लिए कही है उसे मैंने अपने रीस को रोक करके, यानी अपने क्रोध को रोक करके सहा है, यानी बर्दाश्त किया है। ठीक है, सुर महिसुर हरिजन और गाय। ठीक है, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि महीदेव शब्द का भी प्रयोग ब्राह्मण के लिए किया गया है और महिसुर का प्रयोग भी ब्राह्मण के लिए किया गया है। मही असुर, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, और महिदेव, मही माने पृथ्वी, देव माने देवता। ठीक है, तो यहाँ भी कहा है कि महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन जो भक्त लोग होते हैं, जो हरि के जन है यानी भक्त हैं वो, और गाय, और जो गाय होती है, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इनका वध नहीं किया जाता। ठीक है, इन्हें नहीं मारा जाता है। बंधे पापु अब कीरति हारे, इसके बारे में हमारी मान्यता है कि बंधे पापु यदि हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और अब कीरति हारे अगर हम इनसे हार जाते हैं तो अपयश के भागी होते हैं, इसीलिए हम इनसे युद्ध नहीं करते, इनको मारते नहीं हैं। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसीलिए अगर तुम मुझे मार भी रहे हो तो मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ रहा हूँ। यानी तुम मेरे कोई अवमानना भी कर रहे हो, इतनी सारी बातें जो हमारे बारे में तुम कह रहे हो उसे भी हम अपने क्रोध को रोक करके सहन कर रहे हैं और तुम्हें हम प्रणाम ही कर रहे हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कठोर, सम कठोरता के सम कड़वा, और वचन तुम्हारा करोड़ों कड़वाहट के द्वारा, यानी बहुत ही कठोर, बहुत ही कड़वा तुम्हारी बातें हैं। व्यर्थ धरे हूँ धनु बाण कुठारा, तुमने तो धनुष बाण और कुठार को व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। ठीक है, तुम्हारी तो बोली ही इतनी कठोर है, तुम्हारे तो वचन ही इतने ज़्यादा कठोर हैं कि इसी को सुनकर के कोई मर जाएगा, तो तुमने बेकार में ही अपने धनुष बाण और कुठार को धारण किया है, तुम्हें तो इनसे मारने की जरूरत नहीं। तुम अगर इतनी कठोर बातें किसी को कहोगे तो भय से वो ऐसे ही मर जाएगा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमा महा मुनि धीर, और जो कुछ भी मैंने देखा, जिस तरह से मैंने आपको देखा वह देख करके अनुचित यानी गलत कहूँ, अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गलत कह दिया है, क्षमा महा मुनि धीर, है धैर्य को धारण करने वाले महामुनि मुझे क्षमा करें। ठीक है, यहाँ भी लक्ष्मण ने व्यंग किया है क्योंकि परशुराम में धैर्य तो है नहीं, लेकिन उनको धैर्य धारण करने वाले कहा, महामुनि धीर धैर्य को धारण करने वाले, हे महामुनि अगर आपको देख करके मैंने कुछ अनुचित बातें कह दी हो
तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मनी। और लक्ष्मण की इन कटुक्तियों को सुन करके, इन कड़वी बातों को सुन करके सरोष रोष सहित यानी क्रोधित होकर के भृगुवंश मणि, भृगुवंश में मणि के समान यानी परशुराम बोली गिरा गंभीर। वह अपनी वाणी को गंभीर करके बोली। ठीक है, अब आगे फिर इसको पढ़ेंगे।